Guys, you won't believe what happened. So recently, I went on a date with this guy, जिसको मैं बंबल पे मिली थी और दो दिन नहीं हुए थे उस लड़के को जाने और मुझे मैंने ना मतलब we were having this conversation कि मेरे friends ये हैं उसके ये friend group है तो मैंने उसको अपने guy friends और सारे girlfriend guy friends सबके photos दिखाए और पता है अचानक से मुझे बोलता है कि सारे तेरे लड़के ना दोस्त नहीं लग रहे कुछ भी मतलब look at the way he's holding you. Can you believe me? मतलब दो दिन पहले मैं मिली उस लड़के से और मुझे कह रहा है कि इन सबसे वाइब नहीं आ रही सही मतलब कुछ भी भाई ये लड़कों का यही काम है ये लड़कों को ऐसे लगता है कि वो जो बोल रहे हैं ना वही सही है अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है दिखावा कि उनको है ना हर किसी दूसरे बंदे से वाइब नहीं आती है उनको लगता है कि उनको हमारे लिए फीलिंग्स है उनको ये है उनको और इसको ये रियलाइज नहीं हुआ बंदे को कि मैं अभी दो दिन ही हुआ और मेरे को ऑलरेडी फीलिंग्स आ रही है मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हाँ आई नो राइट और उनका इंट्यूशन मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने इंट्यूशन पे कि मैं तो सही ही हूँगा I am always right, yeah. यानी कि खुद के जिंदगी झंड पड़ी हुई है और हमारी सुधारने चले कि ओ भाई नहीं तू गलत कर रही है they know everything about the females जिंदगी कि वो उनकी जिंदगी सुधार सकते हैं बट खुद की तो कटी रही है और उनसे वाइब बरोबर आती है बाकी लड़कों से वाइब तब बताएंगे तब उनको लगेगा कि हम कुछ और ही बता रहे हैं प्यारी समझ गई एंड एक्चुअली व्हेन यू लाइक अगर आप अपने किसी दोस्त से छिपा रहे हो कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ तो उससे भी उनको जेलसी है कि व्हाई कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जेलसी पजेसिवनेस का तो अलग ही किस्सा है उन लोगों को ये लगता है कि और किसी का नहीं होना चाहिए जो मेरा है फिर किसी और के साथ मत घूमो अगेन वही का वही चीज हाँ. ये मत पहन के जाओ ये ओह माय गॉड दैट इज बैकलेस आई डोंट नो हाउ दे कंक्लूडेड कि भाई तू इसके साथ जा रही है तो ये पहन के मत जा उसके साथ जा रही है तो वो कर मत नहीं ऐसे किसी के साथ जा रही है नहीं जा रही उससे कोई लेना देना नहीं है तू मत ही पहन की भारतीय नारी का सभ्य रहता है समटाइम्स आई थिंक कि हमको अक्ल नहीं है बात तो सही है हम खुद भी कैरेक्टर जज कर सकते ना वी डोंट नीड एनीबॉडी एल्स टू टेल अस कि ये इंसान सही नहीं है That is my point. कि यार तुम हमको समझने का मौका था तो yeah. हम दो दिन मिले हुए नहीं उस बंदे से मिले तुम सीधा चालू कर दो कि वाइब बरोबर नहीं आ रही देखो दो दिन में ही वाइब आ रही है सारी की सारी हमको क्यों नहीं आ रही हम लोग को टाइम दो जज करने के लिए okay. और लड़कों को खुद को समझ नहीं आता कि वो लोग अपने गिरप्पन में झांक के देखे एक बार यू गाइज वॉन्ट बिलीव मेरा खुद का भाई इतना ज्यादा होशियारी बढ़ा चढ़ा के मैं इतना काम करके आया हूँ अभी तू ही ये सारा काम करेगी किचन का काम तेरा है क्यों मैं भाई नौकरानी हूँ क्या तू ही आएगी व्हाट इज दिस सी आई लिव विद माय ब्रदर हियर लाइक मेरा और उसका बना हुआ है आई विल बी द वन हु विल लुक आफ्टर किचन एंड वो बाहर का कुछ काम करे व्हाई कांट आई डू दैट बाहर का मतलब क्या तेरे लाखों अरबों छाप रहे हो ना ऐसे भी हमारे सर पे इतनी रिस्पांसिबिलिटी ओह माय गॉड मैं तो थक गई भाई साहब या यू आर और जब प्रॉपर्टी की बात आ जाए तब उनको ये नहीं मिलेगा उनको ये नहीं होगा कि आधा तू कर आधा मैं कर नहीं सारा मेरा है सारा अपन का है ये तो यू नो व्हाट दे से कि भाई तुम्हें तो दूसरे घर चले जाना चालीस घर में आप फिर बोल रहे हो कि तुम्हें क्या करना है प्रॉपर्टी का यू कैन गो टू अनदर हाउस तुमको वहाँ पे पैसा मिलेगा तुमको यहाँ पे पैसा मिला ये मेरे पापा ने ना मुझे गाड़ी दिलवा दी ठीक है अब वो कहता है पापा ये गाड़ी चलाएंगे गाड़ियों का रिलेशन ही अजीब बना के रखा है लड़कों ने पता नहीं उनको क्या लगता है लड़कियां क्या करती हैं गाड़ी कोई भी रास्ते पे रैश चला रहा होगा ना सीधा आ जाएगा ये लड़की चला रही है ये चला रही नहीं ये लड़की है अरे भाई देख ये पापा की परी रोड पे खड़ी हुई है मतलब मैंने हमेशा देखा इनफैक्ट हमारे घर में खुद मेरे पापा अगर किसी को देख लेते ना कि ऐसे रैश चला रही है तो लड़की होगी अरे यार पापा तुम्हारी दो बेटियां क्यों ऐसा बोल रहे हो लड़के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कभी समझते ही नहीं लिटरली इवन अगर हम मैं अपने बंदे को बोलूं कि यार कुछ तो कर तो मुझे उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि देख मुझे गुलदस्ते पसंद है तू प्लीज लाके दे तभी भी नहीं लाएगा हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। एंड देयर नहीं पता है उसका एक्सक्यूज क्या रहता है कि तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। अरे क्या पता कैसे चलेगा ब्रो, वी डोंट नीड एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। अगर एक फूल भी लाके दे तो बिना कहे दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। तुम लोग वो लोग नहीं समझते कि इट इज लाइक अ पार्ट एंड शोइंग अ जेस्टर इज रियली ब्यूटीफुल फॉर गर्ल। बट हाँ कुछ भी पूछ लो तो उनका कभी जवाब ऐसे ठिकाने पे आने ही नहीं वाला है। नहीं दे आर नॉट नेवर गोना ट्राई इवन टू मेक अस फील स्पेशल। तुम कहीं पे ऐसे रेस्टोरेंट चले गए, ये चले गए, वो चले गए, इट इज ऑब्वियसली अ थिंग कि यार डेट पे तुम लेके जा रहे हो, यू आर सपोज टू पे। चलो एक ग्रुप है और सब उसमें लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं तो इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि यार तुम स्प्लिट करके पे करोगे। बट जब ऐसे जा रहे हैं तो आई फील कि लड़कों को पे करना चाहिए। नो आई डोंट बिलीव, आई डू बिलीव। सो आई थिंक स्प्लिट करना बनता है, स्प्लिट करना बनता होगा बट मेरे लिए नहीं है। गाइस आर आल्सो वेरी अनसीरियस अबाउट थिंग्स, हैव यू गाइस नोटिस्ड? मतलब उन लोगों को कुछ भी बोल दो ना, जस्ट स्टार्ट लाफिंग। मतलब मैं गुस्सा होता, हे हे व्हाट डू यू मीन बाय हे, याद नहीं रहता उनको। पता है कि क्यों गुस्सा थी, मैंने क्या किया ऐसा जिससे गुस्सा हो। जिस पे गुस्सा आया वो रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमारा मजाक बना रहे हैं। अरे यार मेंस आर sometimes really annoying and very not sometimes most of the time, I just say every time अच्छा पता है इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। उनको लगता है कि उनको सब पता है लड़कियों के बारे में। कांट अंडरस्टैंड देम, दे आर वेरी नॉन एक्सप्रेसिव, लाइक दे कांट एक्सप्रेस एनीथिंग। गर्ल्स आर मोर अंडरस्टैंडिंग ना, तो वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड। बॉयज कांट अंडरस्टैंड, तो समझती है ये मेरे इशारे, समझ जा। हां यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिना कुछ बोले समझ जा। नहीं यार कभी-कभी है ना लड़कों को भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए। हां वो लोग बहुत इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। हां एग्जैक्टली, और ये हम लोग कम्युनिकेशन उनसे होती नहीं है ज्यादा। This is like an endless topic. We can just keep on talking about these things. So this is it, guys. We are WSC candidate crew. This is Meenal. This is Vidushi. Hi, I'm Yashi. Hi, I'm Yashi. So guys, thank you for watching. Stay tuned for our next video. Bye. Bye. Bye.